हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने चैनल राहुल रियल ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, चलिए मैं आज छोटे बच्चों को पहाड़ा यानी टेबल को लिखने व याद करने का एक आसान सा छोटा ट्रिक आप सभी के सामने रख रहा हूँ। इसके माध्यम से आप बच्चों को बहुत ही आसानी से पहाड़ा लिखवा लेंगे व उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने पहाड़ा को लिख व याद कर लिया। फ्रेंड्स, चलिए मैं ज्यादा टाइम बना लेते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स, इसके लिए कुछ रूल्स हैं। रूल्स नंबर वन, इसमें स्टूडेंट्स को 2 से 9 तक टेबल लर्न कंपल्सरी। कंपल्सरी है। चलिए फ्रेंड्स, मैं टेबल को लिखने का ट्रिक आप सभी को बताता हूँ। इसमें नियम एक है कि किसी भी बच्चे को पहाड़ा लिखने के लिए उसे 2 से 9 तक का पहाड़ा याद होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आप सभी को टेबल का ट्रिक लिखना सिखा रहे हैं। जैसे हमें लिखना है 68 का पहाड़ा। फ्रेंड्स, अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि 68 का पहाड़ा कैसे हम लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत आसान किया है जिसके माध्यम से हम 68 का पहाड़ा लिख लेंगे और हमें पता भी नहीं होना चाहेगा। फ्रेंड्स देखिए, 68 इस ये 2 अंक से मिलकर बना हुआ है, 6 और 8। ठीक फ्रेंड्स, तो हमें पहले 6 का पहाड़ा लिखना है, उसके बाद 8 का। तो चलिए हम 6 का पहाड़ा लिखना स्टार्ट करते हैं। 6 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
एंड का यानी आर्ट का पहाड़ा लिखना है तो हमें बस एक चीज का ध्यान रखना है, जिस भी पहाड़े को हम लिख रहे हैं उसके जस्ट सामने यानी छह है और आठ, तो आठ का पहाड़ा छह के सामने लिखेंगे, आठ का मार्ग और उसके जस्ट सामने हम उसके दूसरे को पहाड़ लिखेंगे। हमने टेबल को लिख लिया, अब इसमें हमें एक चीज और ध्यान देना है, इसमें हम जो अंक सिंगल है यानी अकेला है उसे हम जोड़े यानी पेयर में बना लेंगे, तो कौन कौन से अंक हमारे अकेले हैं देखिए, ये जीरो जीरो, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इन सभी को ऐड यानी जोड़ का सिंबल लगा देंगे, देखिए अब इसमें हम एक चीज करेंगे, छह प्लस का यानी बराबर इक्वल का सिंबल यूज करते चलेंगे। अब 68 का 68 होगा। अब देखिए फ्रेंड्स हमें एक चीज ध्यान देना है, इसके जो इधर वाले साइड है इनको सबको जोड़ देना है और इधर वाले साइड को हम वैसे ही लिख लेंगे, तो जैसे 12 और 1 13, इधर वाली संख्या क्या है 6, इसको हम लिख दिए। अब 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20, यहाँ पे 4 है तो 4 लिख देंगे, 24 में 3 जोड़ेंगे तो 27, ये 2, 30 में 4 जोड़ेंगे तो 34 का 0 का 0, 36 में 4 जोड़ेंगे तो 40, 8 को ऐसे लिख दें, 42 में 5 जोड़ेंगे तो 48 में 6 जोड़ेंगे तो 54 में 7 जोड़ेंगे तो
देखिए फ्रेंड्स, नाजिफ यानी टेबल लिख चुका है। 68 का एकम 68, 68 दूना 136, 68 एका 204, 68 चौको 272, 68 पंचे 340, 68 छक्के 408, 68 सत्ते 474, 68 अट्ठे 543, 68 नौइया 612, 68 दहमा 680। फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको कोई डाउट हो तो हम इसका उत्तरमाला भी याद कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखिए, 68 का हम ये, चलिए ये वाला लिखते हैं। 68 का हम 5 बार गुणा, फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग जानते हैं ये 5 है, तो 68 को अगर 5 बार गुणा कर देंगे, अगर ये संख्या हमें प्राप्त हो जाती है तो समझ लीजिए हमारा आंसर सही है। सॉरी, ये अब 5 8 40, ऐसे लिया 4, 5 6 30, 34। ये देखिए कि फ्रेंड हमारा प्रूव हो चुका है कि हमारा टेबल सही लिखा हुआ है। चलिए एक हर और प्रूव पढ़ लेते हैं। 68 का 7 से मल्टीप्लाई कराते, 7 अठे 10, जैसा कि आप सभी लोग देख चुके हैं, इतना ही मुझे प्रूफ करना सही लगा। मैं ज्यादा वीडियो को लेंथी ना करते हुए मैं अपने वीडियो को यहीं पे द एंड करता हूँ। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हाँ फ्रेंड्स, अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो दूसरों तक लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य करें। टाटा।